हमें थोड़ा जानकारी प्राप्त कीजिए, ये मसला कैसे पेश आया? आज सुबह जब हमारे गांव में एक रूमर्स की फैल गई, एक न्यूज फैल गई कि हमारे गांव के जो दो बाइक है नमली रफीक अहमद शेख अब्दुल सुबहान शेख, उसकी एज होगी अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड, एंड उसका जो छोटा भाई है शबीर अहमद शेख, उसकी एज होगी अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड, एंड द माइनर वन दैट्स इम्तियाज अहमद शेख सना लेट गुलाम अदीन शेख, उसकी एज होगी 18 के आसपास। तो ये वेल नहीं है, ट्रंच था, नॉन फंक्शनल था, उसको शायद शटरिंग खोलने के लिए गए थे। तो पहले रफीक अहमद शेख गया था शटरिंग खोलने के लिए, उसके बाद वो अनकॉन्शियस हुआ था वहाँ ड्यू टू द गैस इज प्रेजेंट इन द ट्रंक। तो उसके बाद उसका भाई उसको रेस्क्यू करने के लिए गया, वो भी अनकॉन्शियस हुआ, तो फिर इम्तियाज गया वो भी। तो ये न्यूज़ अपनी हमारे जो रेजिडेंशियल एरिया है बस्ती में जब फैल गई, तो जो हमारा यूथ है वहाँ, जो हमारे लोग हैं वो वहाँ पहुँचे, इमीडिएटली रश्ड ऑन द स्पॉट, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इमीडिएटली उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह वी रेस्क्यूड देम, एंड हमने उनको एवैक्यूएट करने के बाद हॉस्पिटल किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में उनको हमने हॉस्पिटलाइज किया, बट द डॉक्टर्स रिपोर्ट ऑल आर आउट ऑफ डेंजर नाउ। यहाँ बताते चलूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही डेफिनेटली है, हमारा एक सब हेल्थ सेंटर है वहाँ, फर्स्ट एड सेंटर, रिसेंटली लास्ट मंथ मार्च में भी हमने ये बात मीडिया के माध्यम से उठाई थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आई होप मैंने पर्सनली बात की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने रिक्वेस्ट की थी डीसी साहब को, या हमारे कंसर्न जो सीएमओ साहब है उन तक भी हमने बात पहुंचाई थी, दो मरतबा पहुंचाई थी हमने ये बात कि हमारा जो सब सेंटर वहाँ पे है, वहाँ पे हमारे जो पोस्टेड अपॉइंटेड मेडिकल असिस्टेंट है होती ही नहीं है कभी वहाँ, हमने रिक्वेस्ट की थी मीडिया की वसादत से, स्टिल दैट्स अंडर द लॉ, अभी भी वहाँ ताला पड़ा है। देखिए अगर वहाँ हमारे पास बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज इनको मिलती शायद सिचुएशन ज़्यादा बेटर रहती, कि हमें ये ज़्यादा डेंजर में नहीं रहते, लेकिन हमने बार बार हम ये मसला उठाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, या हम कंसर्ट सीएमओ के साथ भी हमने ये इशू उठाया था कि हमारा जो सब सेंटर है उसको वहाँ फंक्शनल बनाई, वो है किस लिए जब वहाँ पे हमें बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती है लोगों को, जो फर्स्ट एड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है वहाँ पे, देन उसको वहाँ होना क्या जरूरी है, वो किस लिए है वो मेडिकल सेंटर, दिस इज शेम ऑन द सीएमओ का पारा। कि रिसेंटली हमने ये बात दो बार हमने मीडिया की वसादत से वहाँ उठाया था, लेकिन इट्स शेम ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट की वो हमारा जो सब सेंटर है उसको फंक्शनल कभी नहीं बनाया गया, दिस इज शेम ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। कि वंस अगेन आई पर्सनली रिक्वेस्ट मिस्टर इमामुद्दीन साहब, लुक इन द मैटर, वी आर द सिटीजन, हमें भी एक हक है वो डिग्निफाइड लाइफ का, हमें भी एक हक है, प्लीज हमारा एक ये फंडामेंटल राइट है, इसको आप रेस्टोर कीजिएगा, जो हमारा वहाँ सब सेंटर है इसको फंक्शनल बनाइए। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट गवर्नर ऑफ द यूटी, प्लीज लुक इन द मैटर, इन चीज़ों को आप एड्रेस करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको पहले ही बताया रफीक अहमद शेख जो अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड है, उसका छोटा भाई भी, इसको तीन है, दो भाई है और एक अलग है दूसरे माले का है, उसका नाम है इम्तियाज अहमद शेख सन ऑफ लेट गुलाम अदीन शेख, तीन, पहले मैं नाम सीरियली बताऊंगा, रफीक अहमद शेख सन ऑफ अब्दुल सुबहान शेख, उसका भाई शबीर अहमद शेख सन ऑफ अब्दुल सुबहान शेख, ये जो ब्लड रिलेशन में एक ब्रदर्स है, एंड द थर्ड वन ही इज 18-20 ईयर्स ओल्ड होगा, माइनर है, तो उसका नाम है इम्तियाज अहमद शेख सन ऑफ लेट गुलाम अदीन शेख, आप माने कि एक ही खानदान के। यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई, इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर ग्राउंड ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से जायद रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज्जम इदारा कश्मीर ग्राउंड ट्रस्ट। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for competitive exams LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622-888-333, 9469-888-333.